तो नमस्कार दोस्तों, मिश्र टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो गाड़ी आपको दिख ही रही होगी, शेवरलेट की एवियो है। और गाड़ी में प्रॉब्लम क्या हो रही है, मीटर वर्क नहीं कर रहा है इसका। और इसमें मीटर वर्क ना करने का एक बेसिक सा बता देता हूँ, या तो वायरिंग की कोई इशू होता है, या सेंसर की प्रॉब्लम होती है, या ये मीटर केबल वाली है, इसमें केबल ख़राब हो जाती है, केबल के गियर कट जाते हैं, तो वो अपने शाफ्ट से एंगेज नहीं होके वर्क करना बंद कर देती है, तो सेंसर भी हमें स्पीड शो नहीं करता है। तो कई सारे वीडियो में पहले भी डाल चुका हूँ, शिफ्ट का भी डाल चुका हूँ, जिसमें सिर्फ सेंसर का काम रहता है, उसमें मीटर केबल का कोई काम नहीं कर रहता, उसमें सेंसर या वायरिंग की प्रॉब्लम रहती है। और ये जो गाड़ी आती है, इसमें सेंसर जो होता है वो गियर से ड्रिवन होता है, तो गियर से जब सेंसर ड्रिवन होगा तब वो सिग्नल आगे मीटर को देगा। तो चेक कर लेते हैं, इसमें भी गियर के पीछे की साइड होता है। और पहले मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, मीटर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। और एक चीज़ और है देखने वाली बात दोस्तों, जब कई बार क्या होता है कि मीटर में प्रॉब्लम की वजह से स्पीडोमीटर काम नहीं करता, बट जो माइलोमीटर है वो काम करता है। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, कई बार ऐसा होता है कि मीटर में ही प्रॉब्लम होती है और हम डायग्नोस कहीं और चल जाते हैं, सेंसर वगैरह मीटर वगैरह को देखने लग जाते हैं। तो कई बार ये भी होता है, आपको ध्यान देख लेना है कि अगर सुई नहीं चल रही है तो किलोमीटर भी नहीं बढ़ना चाहिए। तो कई बार यही होता है कि सुई चलती नहीं है लेकिन किलोमीटर चलता रहता है, तो वो मीटर की प्रॉब्लम है। तो चलिए दोस्तों, पहले इसको चला के देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या प्रॉब्लम हो। दोस्तों एवियो है गाड़ी, और गाड़ी में चला रहा हूँ तो स्पीड नहीं बता रहा है मीटर, देख सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों, इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, सेंसर की प्रॉब्लम है या मीटर केबल की प्रॉब्लम है। जैसा कि हमने देखा, उसमें माइलोमीटर और स्पीडोमीटर दोनों काम नहीं कर रहा है। अब मैं लोकेशन दिखाता हूँ, इंजन और बैटरी के बीच में आना है आपको, इसके पीछे की साइड जाना है, और ये आपको सेंसर दिख जाएगा। कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, ये जो दिख रहा है ये VSS सेंसर है। पहले हम उसे सप्लाई देख लेते हैं, फिर इसको वो 10 नंबर के बोल्ट खोल के पूरा देख लेंगे, निकाल के कि मीटर ख़राब तो नहीं हो गया, मीटर केबल ख़राब हो गई हो, क्या पता मीटर केबल ही ख़राब हो गई हो। क्योंकि क्या होता है कि प्लास्टिक की आती है और रन होते होते वेयर आउट हो जाती है। तो देखते हैं क्या निकलता है इसमें। कि हमने सेंसर, मीटर केबल और इसकी हाउसिंग निकाल ली है, और सबसे पहले हमने इसकी कपलिंग में सप्लाई चेक कर ली है। इसमें 12 वोल्ट आ रहा है, इसमें 12 वोल्ट आ रहा है, और इसमें ग्राउंड आ रहा है, ये तीनों हमने इसमें चेक कर लिया है। इसमें एक सिग्नल का है जो सप्लाई वेरी के अकॉर्डिंग स्पीड को शो करता है। तो इसमें यही होता है कि जैसे 12 वोल्ट आता है और जितना स्पीड से चल रहा है वो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग उतना सप्लाई ECM को देता है, ECM फिर मीटर को सिग्नल देता है। तो ये सब हमने देख लिया है, अब इसको हम वैसे भी सेंसर को भी चेक कर लेते हैं। और ये है मीटर केबल, मीटर केबल भी सही लग रही है, वेयर आउट नहीं हुई है, तो मे बी ये हो सकता है इसमें सेंसर की ही प्रॉब्लम हो। तो सेंसर को भी हम चेक कर लेंगे, सप्लाई तो हमने देख ली है, ओके है। तो चलिए दोस्तों, अब सेंसर को बाहर निकाल के कपलिंग से जोड़ दिया है, ये देखिएगा दोस्तों, कपलिंग से जोड़ दिया है। अब इसको हम हाथ से ही ट्विस्ट करके देखेंगे कि क्या पता ये गियर अंदर चल नहीं रहा है, और ऐसे मैं ट्विस्ट करूँगा तो अगर सेंसर सही होगा तो सुई हमारी थोड़ी हिलेगी। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ हिल घुमा रहा हूँ और मीटर में दिखाता हूँ, अगर ये थोड़ा हरकत करता है तो हमारा सेंसर सही है, ये सिस्टम सही है, बट ये जो हमारी गियर है केबल, ये शायद उस शाफ्ट से अटैच नहीं हो पा रही है, जिससे ये इस सेंसर को चला नहीं पा रहा है। तो इसमें इस टाइप से ही होता है, जैसे देख लीजिए ये गियर है, ये चलेगा तो ये सेंसर रन करेगा, सेंसर जो भी सप्लाई होगी वो आगे सिग्नल के रूप में दे देगा। तो ये तो घुमा के देख रहे हैं हम, और देख लीजिए जैसे कि मीटर में जैसे हम इसको ट्विस्ट कर रहे हैं तो मीटर में थोड़ा सा सुई में हरकत हो रही है, चल रही है सुई,
तो प्रॉब्लम हमें मिल गई है कि प्रॉब्लम वैसे अंदर से है ये कि अंदर से शाफ्ट चल नहीं पा रही है। तो करते हैं दोस्तों। आपने पूरा वीडियो देखा और मुझे लगता है काफी कुछ आपको समझ में आ गया होगा, और मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको पूरा सही समझ में आ जाए कैसे आपको प्रॉब्लम को देखना है, कैसे फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली हमें यही चीज देखनी है कि उसका मीटर प्रॉपर वर्क कर रहा है कर रहा है। आपको स्पीडोमीटर और माइलोमीटर को दोनों चेक कर लेना है कि कई बार क्या होता है स्पीडोमीटर वर्क नहीं करता, माइलोमीटर वर्क करता है और हम थोड़ा गलत डायग्नोस की तरफ चल जाते हैं। तो ये चीज पहली बारीक चीज है, ये चीज आपको देख लेनी है। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया कि इसकी जो कपलिंग होती है सेंसर की, इसमें तीन तरह के वायर होते हैं, जिसमें एक तो 12 वोल्ट सप्लाई होती है, एक उसका सिग्नल वायर होता है, एक ग्राउंड होता है। ये चीज हमने प्रॉपर चेक कर लेनी है। कई बार टाइम के अकॉर्डिंग वायरिंग ब्रेक हो जाती है जिसकी वजह से सप्लाई ना मिलने की वजह से मीटर हमारा बंद हो जाता है। तो ये होगी दूसरी चीज। उसके बाद थर्ड, मैंने उसको देखा सेंसर को निकाल के और गियर को अटैच करके, उसके मीटर केबल को अटैच करके मैंने उसको ड्रिवन कराया। तो ड्रिवन कराया तो मीटर हमारा वर्क कर रहा था जैसा आपने वीडियो में देखा है। तो ये पूरे स्टेप आपको फॉलो करने हैं जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, ये इस तरह से आपको डायग्नोस करना है और आपको 100% मैं कहता हूँ आपको फॉल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो लास्टली हमने देखा कि उसमें मीटर केबल खराब थी, जो गियर थे वो वेयर आउट हो चुके थे, जिसकी वजह से वो ट्रांसमिशन के अंदर जो गियर होते हैं जो उसको ड्रिवन करते हैं उससे ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, एंगेज नहीं हो पा रहा था, और ये ड्रिवन नहीं हो रहा था तो सेंसर भी वर्क नहीं कर रहा था, इस वजह से हमारा मीटर काम नहीं कर रहा। तो इसमें जो पार्ट्स है वो आपको आफ्टर मार्केट तो मुझे जहाँ मेरे यहाँ के हिसाब से मुझे लगता है कि आपको शायद मिल पाएगा। तो सबसे अच्छा ऑप्शन तो दोस्तों यही है कि आप बॉडमो से मंगवा सकते हैं, बॉडमो में इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा और डिलीवरी टाइम कोई इतना लंबा नहीं है। मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ लेकिन बट ये है कि मेरे भी साथ कभी ऐसे ब्रांड्स के साथ प्रॉब्लम आती है जिनका काउंटर सेल मार्केट में नहीं है, तो उनका मैं ऐसे पार्ट्स में बॉडमो से ही मंगवाता हूँ, तो इजी रहता है, कोई ओरिजिनलिटी की भी ये श्योरिटी रहती है, ओरिजिनल मिल जाता है और हमें जो प्रोडक्ट चाहिए एक्यूरेट वही आता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और इस तरह के अगर वीडियो आप चाहते हैं, टेक्निकल वीडियो, नई नई जानकारियाँ चाहते हैं, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको कैसे फाइंड आउट करना है, चाहे मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कैसे भी आपकी प्रॉब्लम हो, ये हर तरह के वीडियो में इसमें डालता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आप इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको मिलूंगा नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ, नई प्रॉब्लम के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।